जो यहां से कहीं और जाके ले जाओ, अब से ज़ारा यहाँ रहेगी। किंजा किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे नॉक करते हैं, इतना तो पता ही होगा ना तुम्हें। नौकर करके आ जाए, ऐसा कोई मौका तो नहीं घर में। किंजा, इस घर में और भी रूम है, तुम ज़ारा को किसी और रूम में एडजस्ट कर दो। रूम्स तो काफी है नुमान, लेकिन घर में गेस्ट आए हुए ना, जगह नहीं है। और वैसे भी इस कमरे में ना शोर बहुत कम आता है। मामा का कहना है कि इस टाइम जारा को आराम की बहुत जरूरत है, जो इसी कमरे में मिल सकता है। सारा, तुम खड़ी क्यों हो? प्लीज बैठ जाओ। हाँ हाँ बैठो ना, तुम्हारा अपना ही घर है। एक काम करते हैं, मैं किसी और रूम में एडजस्ट कर लेता हूँ, तुम जब तक ज़ारा के साथ रूम शेयर कर लो, ठीक है? नुमान, तुम्हें पता है ना, ज़ारा को नहीं आदत किसी के साथ भी कमरा शेयर करने की, इसलिए तुम्हें और फायजा दोनों को ही कमरा खाली करना पड़ेगा। किंजा, मुझे भी कोई आदत नहीं है किसी के साथ अपना रूम शेयर करने की और अपनी कोई भी चीज देने की। और वैसे भी ज़ारा तो गेस्ट है ना, उसे गेस्ट रूम में रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किंजा, आई थिंक फायजा ठीक कह रही है, मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। क्यों रह लोगी तुम गेस्ट रूम में? कहा है ना, ये घर तुम्हारा है, और अगर गेस्ट रूम में किसी को रहना है तो वो रहे जो यहाँ कुछ दिन का मेहमान है। ठीक है, मैं और फायजा किसी और रूम में एडजस्ट कर लेते हैं। सारा, तुम प्लीज यहाँ आराम से चलो।